ओवर टू यू मीडिया। सबसे पहले कलाम जी से जानना चाहूंगा कि ये जो म्यूजिक वीडियो का आइडिया है वो कैसे आया, कैसे हेलो हाँ कलाम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो म्यूजिक का आइडिया है वो आपको कैसे आया, और थोड़ा सा बताइए म्यूजिक वीडियो के बारे में कि कैसे शुरुआत हुई इसकी। और हेलो 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 ऐसा और स्लिप हो रहा है, देख माइक भी साथ में दिया। हेलो यस हेलो यस हाय जी बताइए कैसे आइडिया है और आप लोगों का जो कोलैबोरेशन है वो कैसे हुआ, थोड़ा सा इस बारे में बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा म्यूजिक वीडियो का आपका? म्यूजिक वीडियो का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और सबसे पहले थैंक यू फॉर विशाल सर, हमारे एक्टर जय भाई एंड अराफा जी, कुणाल जी एंड हमारे डायरेक्टर विक्रम सिंह। सो कुछ आइडिया नहीं रहा है, कंपनी है आर्चेस म्यूजिक कंपनी, जिसके लिए मतलब हमने गाना बनाया है और ये आज लॉन्च किया है। सो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, हमने प्लानिंग किया एक म्यूजिक वीडियो का और आज हमने लॉन्च किया है। थैंक यू। सबसे जानना चाहूँगी कि ये आर्चिल्स म्यूजिक कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि आप ऑफ कोर्स न्यू म्यूजिक लेकर आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? एक्चुअली हमारे आर्चिल्स म्यूजिक कंपनी के फाउंडर हैं विशाल सदारिया एंड हम उसके को फाउंडर हैं, हम पार्टनर हैं एंड हमारा यही यस हमारी यही लक्ष्य का ये एक ही लक्ष्य है कि हम पूरे इंडिया में इस कंपनी को आगे लेकर जाएं और नए नए टैलेंट को मौका दें और नए आर्टिस्ट को अपने कंपनी में काम कराएं और कंपनी को आगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट करें। और अच्छा, लेकिन जो नाम है वो थोड़ा सा यूनिक है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो किसी भी कंपनी का कोई नाम हो या फिल्म का नाम हो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू नो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो ये आर चिल्स कैसे दिमाग में आया, उसके पीछे कुछ रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं। माइक फेंको और हेलो वैसे ही बात करो, वैसे बात करो, माइक हटा दो। रीजन कुछ नहीं, अरे माइक दो यार। हेलो हेलो बहुत एडिट करना पड़ेगा खान साहब। रीजन कुछ नहीं है, जब हमने कंपनी ओपन करने के लिए सोचा तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है कि यार नाम क्या रखे कंपनी का, तो हमने सोचा कि यार ऐसा कुछ नाम रखे जो लोगों के दिमाग में आ जाए तुरंत कि यार कोई कंपनी है, इसका नाम ये है। सो हमने सोचा कि कुछ यूनिक रखे नाम, जिससे दिमाग में जल्दी से आए, वो याद रहे, वो रिपीटेड रहे। इसके लिए हमने काफ़ी सोचने के बाद हमने सोचा कि यार आर्चिल्स म्यूजिक कंपनी रखते नाम, ऐसा आर्चिल्स। शाहरुख से इंस्पायर तो नहीं है आप डायरेक्टली? अरे नहीं सर, मैं डायरेक्टर से जानना चाहूँगा, जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया अगर यहाँ मौजूद हैं वो कुछ कहना चाहेंगे? जी हैं क्या? आई थिंक नहीं है, वो मौजूद नहीं है, एक्टर तो मौजूद है, उनसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा है कलारू सर का, विशाल सर का, जो शूट पे भी साथ में आए थे देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। डायरेक्टर का मैं ज़्यादा मानता हूँ, उसने ज़्यादा मतलब कोशिश किया मुझे नया सिखाने का। ओके, आप ये भी प्लानिंग है नई कंपनी की, हर थोड़े से वक्त में आप लोग एक नए नए एल्बम लेके आएंगे, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, कलाम उसके बारे में या आप सर उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? यस यस, हमारा काफ़ी सारा प्लानिंग है अपनी कंपनी से गाने नए नए लाने का, काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ हमारा प्लानिंग है, नए आर्टिस्ट के साथ, इंडस्ट्री से जितने भी आर्टिस्ट है, काफ़ी सारे लोगों से हमारा प्लानिंग है अपनी कंपनी से नए नए गाने लाने का, और इससे पहले भी हमारा अच्छी है।
लाइट बंद कर, काफ़ी चीज़ों को मतलब धीरे धीरे वर्क आगे प्रोग्रेस में कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी जो इसके लाइन में हर महीने में प्रेजेंट आने वाले हैं। सो बस यही है कि आप लोगों को सपोर्ट करें, प्यार दें, बहुत प्रेम की तरह दें। हेलो करो भाई, कैमरा तुम देखो, सर रो जाते हैं, सॉन्ग रो जाते हैं, एल्बम डेली आते हैं, लेकिन क्या कुछ नया अपन देने की कोशिश होगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे नयापन है और काफ़ी हम लोग नए नए तरीके से हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। सो बस देखते रहिए, ऐसी मोहब्बत, ये इसके बारे में कुछ आप बताइए, किस तरह का ये एल्बम है, किस तरह से क्लोज करके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शूटिंग शिमला में हुआ है एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस एल्बम में। हमारे एक्टर ने बहुत मेहनत किया, डायरेक्टर ने, हिमेश चौधरी ने, काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब सबका काफ़ी मतलब इसमें ये रहा है, मेहनत रहा है। सो प्लीज़ प्यार दें आप लोग। हर कोई स्टार बनना चाहता है लेकिन आप प्रोड्यूसर बन के उभरे हैं, लोगों के सामने आए हैं, तो इसकी कोई वजह नहीं? मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, हमारे सब प्रोड्यूसर यहाँ पर बैठे हैं, विशाल सिंगरिया। सो मैं एक सिंगर हूँ और मैं जस्ट ये कंपनी का फाउंडर हूँ। सो हम लोग मिलकर ये सबको हम वर्क कर रहे हैं और आगे इसका नाम बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आप इस एल्बम में? आप लोग इधर कैमरा लुक दो सर, कैमरा में सेंटर लुक दिखा रहे जी, मैं सेंटर लुक सेंटर कैमरे में देख के बोलूं। विशाल सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसे जिन्होंने मतलब कंपनी में नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए चेहरे पे विश्वास किया, जबकि मेरे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है बड़े कंपनी के सामने या फिर छोटा कहीं, तो मैंने ड्रामा या क्लासेस मैंने कुछ नहीं, मेरा डायरेक्ट ये पहली बार था। तो मुझे देख के मतलब कलाम सर ने पहले बोला कि ये अच्छा चेहरा है, हम दिखा सकते हैं इसको, फिर विशाल सर ने मेरे पर विश्वास किया, मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। कितनी तैयारी की थी इस सॉन्ग सॉन्ग को लेके? तैयारी तो बस कुछ ज़्यादा नहीं, मैं 5-7 दिन रहा था कलाम सर के साथ और डायरेक्टर के साथ रहा था, बस उतने में हो गया। कलाम, कास्टिंग को लेके अगर बात करें, कैसे फाइनलाइज हुए, थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि क्या प्रोसेस था आप लोगों का? कास्टिंग उसका कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं था, हमारे ये टीम से ही है जय। सो हमने सोचा कि इनके साथ एक एल्बम करते हैं और पिछले टाइम पे भी हमने एक कैसे में किया था जनरल जुबैर और नमिश नजर के साथ। सो हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े फेस के साथ हैं, तो हमने सोचा कि इनके साथ एक प्रोजेक्ट किया जाए, सो ये हमने किया। तो कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों को लेके आना और इतनी मेहनत करना, कितना चैलेंजिंग था? आपको तो पता है बहुत मेहनत लगता है एक म्यूजिक वीडियो बनाने में या कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाने में, काफ़ी सारी चीज़ें करने पड़ते हैं। सो बहुत मेहनत लगा है, सो बस आप लोग प्यार दें। इसके अलावा इससे उभरते हुए कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा इस बार कंपनी से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किस तरह से? मतलब जो बहुत सारे कलाकार होते हैं जो जिनका नाम बना हुआ है उन्हें तो हर कोई काम देता है, लेकिन जो उभरते कलाकार होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हार भी मान जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म होगा ये, यहाँ पर किस तरह से अपना टैलेंट दिखा पाएंगे? जी ये हमारा आर्चर्स जो हमारी कंपनी है, हमने सिर्फ एक ही सोच रख के हमने ये कंपनी स्टार्ट किया है और जो भी हम वर्क कर रहे हैं कि जितने भी इस इंडिया में मतलब जितने भी नए नए कलाकार हैं जिनको मतलब चांस देते नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग का बहुत सारे कंपनीज हैं, म्यूजिक कंपनीज है, लोग नाम को लेकर मतलब ये म्यूजिक वीडियो बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन हमारा यही है कि जो नए कलाकार हैं जो अच्छा काम कर सके उनको हम मौका दें और उनको हम आगे लेकर, और जिसका आप देख रहे हैं। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और क्या कुछ देखने मिलने वाला है? मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि तरफ था एंड मैक इन्होंने कंप्लीट किया था। इनफैक्ट क्या हुआ कि मैं वेस्ट बंगाल गया हुआ था एंड मुझे कॉल आया कलाम की तरफ से कि अरफात महमूद बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ, तो ये कन्फर्म्ड कि आपने वास्ते लिखा है अभी, तो हमने कहा वास्ते लिखा है, तो उनको एक और गाना मेरा मिला था यूं ही नहीं करके नेट पे, जिसके व्यूज़ काफ़ी बढ़े हैं, छोटी सी कंपनी से आया था, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लिखेंगे, तो हमने कहा आपने क्या काम किया है, तो उन्होंने कहा हम आर्चिल से, तो उसी वक्त आजकल तो नेट का ज़माना है, जस्ट चेक के क्या चल रहा है, तो देखा कि कुछ अच्छे काम आए थे वहाँ से, तो हमने कहा दूसरी बात कर लेते हैं पैसे की, दैट आई डिड। तो बहुत दबी आवाज़ में जो भी था, तो हमने कहा वैसे तो कम है, तो फिर बढ़ भी गया, फिर उसके बाद बढ़ भी गया, उसके बाद ठीक है मुंबई चले हैं। हमने कहा कि उन्होंने कहा एक गाना भेज दीजिए, हम लोग ट्यून्स भेज रहे हैं, तो उन्होंने 3 ट्यून्स इन्होंने भेजा और तीनों बहुत अच्छी ट्यून्स थी, तो हमने डिसाइड किया कि वोटिंग हुई एक तरह के, मैं हिमेश एंड कलाम कि इस पर काम कर लेते हैं,
मैंने कहा मैं तीनों पे काम कर सकता हूँ लेकिन फिर तीनों गाने की कीमत, तो यहीं पर उन्होंने एक को फाइनल किया और उस फाइनल के बाद हमने गाना लिखा। वो गाना बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा था वो गाना रिजेक्ट हुआ। आई केम हियर, हमने कहा मैं मुंबई आता हूँ फिर काम करूँगा। मुंबई आया फिर दो दिन, पहले मैं कलाम के पास आया, उसने 5 गानों का रेफरेंस दिया मुझे। अब कहानी शुरू होती है वहाँ, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो और ये और ये और 5वां गाना ये मौसम की बारिश और ये। तो मैंने कहा मैं हर दिन ये मौसम की बारिश थोड़ी लिखूँगा। व्हाट डू यू मीन, आपने लिखा ये मौसम की बारिश? हमने कहा हाँ। उसने चेक किया नेट और कई गाने उसको हिट भी मिले मेरे, मैं ढूंढने को ज़माने में। बोले सर आप रेट तो नहीं बढ़ा दोगे ना? हमने कहा नहीं, कमिटमेंट हो चुका है। लेकिन उसने दो दिन मुझे बिल्कुल एक मशीन की तरह ना, कलाम जो है मतलब ये चाहिए ये नहीं चाहिए, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। फिर भी क्या सर 1% अभी तो ड्राफ्ट वाइज, हाँ ड्राफ्ट वाइज। तो दो दिन के बाद मैं एक जगह टी सी में एक गाना लिख रहा था, तो 5 मिनट में वो गाना लिखा मैंने और निकलने लगा। बोलूँ मैंने भाई कमाल कर दिया, आप तो 5 मिनट में लिख लेते हैं। हमने कहा सर हम अभी जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ ये 3रा दिन है, दुआ कीजिए कि आज गाना पूरा हो जाए। देन उन्होंने कहा कि आज तो कई लोगों ने दुआ की कि आज पूरा हो जाएगा। आया तो पता नहीं उस रोज़ अच्छा था, ये गाना कंप्लीट हुआ तो ऑल टुगेदर बहुत फेयर लगे ये लोग, अच्छा नए लड़के थे, काम तो ठीक है हम लोग करते ही रहते हैं। उसके बाद इसका क्या था कि हम अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा करना है मुझे, मिक्सिंग भी बहुत अच्छी करना है, स्टूडियो भी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस कर रहे थे, तो वो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है कंपनी नहीं है लेकिन लोग जो जोड़ लेते हैं। सौरभ रायदा का नाम आया, इज़ ए वेरी नोन पर्सन। फिर MV स्टूडियो का नाम आया, राहुल दा का नाम आया, तो ऐसा लगने लगा था कि ये गाना बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। क्योंकि गाने की मेकिंग में ना किसी एक आदमी का हाथ होता नहीं है, कंपोजर लिरिसिस्ट और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को नहीं लगता होगा वो अरेंजमेंट और मिक्सिंग जो है ना और अच्छा स्टूडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग स्टूडियो में काम कर रहे थे तो हम लोगों ने ये निकाल के सौरभ दा राहुल दा के हवाले, अमित सावंत थे सुपरवाइजर, उन सबके हवाले कर दिया कि आप संभालिए और रिजल्ट आपके सामने है। ताली तो बता रही थी कि गाना ठीक है, बाकी टोटल आउटपुट जब अच्छा आता है गाने में तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि जैसे कर गई चूल, लंदन ठुमक दा गाना, फिर और भी हवाएं, ये सब गाने का म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने किया हुआ है। तो कलाम एंड इंग्लिश आए क्योंकि लकीली क्या है हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं, वो बाद में पता चला। तो फिर मैंने स्टूडियो में आके उन लोगों ने गाना सुनाया एंड गाना क्या है कि बहुत सोलफुल है एंड जो अरेंजमेंट हम लोगों ने सोचा है लिरिक्स ध्यान में रखते हुए तो सब कुछ लाइक एवरीथिंग फेल इन प्लेस उसके हिसाब से। एंड आई थिंक द एंड रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आया है, आप लोगों ने देखा भी वीडियो, तो यही है लाइक दिस इज़ द स्टोरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था और जहाँ शूट किया वो भी बहुत, लोकेशन बहुत अच्छी थी। और देखो आगे सब लोग बढ़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, वो बहुत आगे जाते जाएं। और अभी न्यू कमर्स है और इतना अच्छा गाना जो शूट किया है तो देखने से लगता है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया, बहुत अच्छे से किया है। तो हमेशा मेरा यही रहता है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, तो हमेशा मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे जाएंगे। तो आप कोई टिप्स भी उन्हें देना चाहेंगे क्योंकि न्यू कमर है तो वो अगर काम कर रहे हैं, आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे? नहीं यार, आज के समय में सब ज्ञानी हैं, मैं क्या टिप्स दूंगा, सब अच्छा ही कर रहे हैं। और बस यही है कि मेरे तरफ से हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी कि जो भी आगे बढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। सर अब आपके फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स का, थोड़ा सा अगर उनकी एक्साइटमेंट को आप थोड़ी सी और बढ़ा दें। प्रोजेक्ट तो ऐसा है कि जब हो जाते हैं तभी मैं बताता हूँ, बीच में बताना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कभी कभी रुक जाती हैं, फिर मैं बोल दूँ और बाद में ना हो ये मुझे आता नहीं है, तो पहले स्टार्ट होने दो, कुछ स्टार्ट होता है ज़रूर बताऊँगा। बिग बॉस 13 भी आ चुका है, उसका प्रोमो देखा होगा आपने, देखा इस बार जो है कमनर्स नहीं है तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज ए कमनर आपने एंट्री की थी बिग बॉस के हाउस में, इस बार सिर्फ सेलिब्रिटी है। कमनर्स नहीं है, शायद उनको एक नई थीम लेके आनी थी इस वजह से, और कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछले साल जो कमनर्स थे उनने कुछ ऐसा कर दिया कि TRP नहीं हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो फुटेज बाहर जाते हैं वो हमें खुद को नहीं पता होते हैं कि क्या दिखाने वाले हैं वो वाले,
तो हमने अपना बेस्ट किया, सबने अपना बेस्ट किया, जो भी हम लोगों को लगा हमने किया, एंटरटेन भी किया, लड़ाइयाँ भी। अब उनकी एक नई थीम थी, देखते हैं इस बार सेलिब्रिटी में क्या होने वाला है। तो क्या आपकी आपकी कोई स्पेशल एंट्री होने वाली है बिग बॉस के घर में? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर होगी तो ज़रूर देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज का जो गाना था उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पार्ट बने आप इस गाने का, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि कैसे बने पार्ट और क्या जर्नी है आप लोगों को? ओके, मैं इस गाने में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और कास्टिंग भी की है और स्टार्ट से फिनिश तक सारा काम देखा है। कलाम इज़ माई गुड फ्रेंड एंड विशाल जी इज़ ऑल्सो माई गुड फ्रेंड। तो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में हम लोग ने सब लिरिसिस्ट लेके, कंपोजर से लेके, म्यूजिशियन से लेके, एवरीथिंग हमें यू नो एक अच्छा प्रोजेक्ट करना है तो सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी था। तो वही सब एक दूसरे की हेल्प से हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रखी है। फिर आई कास्टिंग की बात, तो वहाँ पे वी गॉट अ वेरी गुड एक्टर जय विक्रांत विजय सर। फिर हमने कहा चलो चांस लेते हैं, नया पेयर बनाते हैं एंड अदिति यू नो अदिति। फिर शूट हो गया, फिर अच्छा लग रहा है, होपफुली अच्छा गाना अच्छा बना, वीडियो भी बहुत अच्छा बना। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का जैसे सर ने कहा कि बहुत मेहनत करने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट निकल के आया, कितना प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेके, और थोड़ा सा बताइए कि मेहनत फाइनली रंग लाई है आप लोगों ने? मेहनत तो इसमें सबकी है, जितनी मेरी होती है, सब पूरे मतलब जो कंपनी की टीम होती है सबकी मेहनत होती है। बस उम्मीद रखते हैं कि हम अपने जो कंपनी के फैंस है प्लस जो मार्केट में आजकल लोगों को जो चाहिए वो सब हम देते रहे, और बहुत मतलब उम्मीद रखते हैं आप सबका सपोर्ट हमें ऐसी। इसके बाद कोई प्रोजेक्ट है अगर कुछ शेयर करना चाहें आप लोग? काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं लाइनअप हमारे, और स्पेशली जो मोहम्मद कलाम की जो आवाज़ है ना, वहीं से हमारी कंपनी भी स्टार्ट ही वहीं से होती है, जहाँ से हमने पहले भी गाने करे हैं। आप देखोगे तो कमाल की आवाज़ है, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हैं अभी, तो इज़ ए नॉन फेस इन द इंडस्ट्री एज ए प्लेबैक सिंगर। तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी कुछ हमने हमारी कंपनी जो आर्टिस्ट है वहाँ से वीडियो सॉन्ग्स के अलावा भी काफ़ी प्लानिंग्स चल रही है। होपफुली कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, और म्यूजिक वीडियोस तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पिछला एक गाने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा, अब बैक टू बैक आएंगे, धमाकेदार आएंगे। थैंक यू सो मच।